अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ कीमा मिक्स सब्जी के साथ में। चीजें आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत एक यूनिक सी डिश है और बहुत मजेदार बनती है। कीमा मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि मटन का है। इसमें जो सब्जी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो है मेथी, 10 फेनिग्रिक लीव्स। ड्राइड नहीं है, ये फ्रेश है। आप इसे काटते हैं, वॉश कर लें और ये बहुत जबरदस्त जो होता है कीमे में इसका जायका देता है। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए आलू यानी कि पोटेटोस। आप छील करके इनको जरा थोड़े मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मटर का इस्तेमाल हो रहा है, मैं फ्रीजर का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रोजन पीज है। प्याज यानी कि अनियंस आपको चाहिए होंगे, चॉप कर लीजिएगा। टमाटोज यानी कि टमाटर आप देख रहे हैं काफी ज्यादा, क्योंकि इसका मसाला जो होता है थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, तभी मजा आता है रोटी खाने का। हरी मिर्चें होंगी बीच में। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए कोरिएंडर पाउडर, दैट्स धनिया पाउडर। जीरा पाउडर, दैट्स क्यूमन पाउडर। हल्दी यानी कि टर्मरिक। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चें पिसी हुई। नमक यानी कि सॉल्ट। गरम मसाला, दैट्स ऑयल स्पाइसेस। ये मेरे होममेड है, आपको काफी दफा बता चुकी हुई हूँ। बीच में जो इसकी थोड़ी सी डिफरेंट टेस्ट आएगा वो है टमाटो प्यूरी की वजह से, ये आपको बहुत इजीली ट्यूब्स में मिल जाती हैं। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए अदरक और लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर गार्लिक पेस्ट। ऑयल में बनाएं, घी तेल वो आपकी अपनी मर्जी है। मैं इसको तेल में बना रही हूँ, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। चुका है यहाँ पर गरम। इसमें हम ऐड कर रहे हैं सबसे पहले जो हमारे प्याज है यानी कि अनियन जा रहे हैं, और इसके साथ ही जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। ये डाल करके आपने इसको एक अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर देना है, ख्याल कीजिए ज्यादा काला नहीं करेंगे। और फ्लेम चूस लेके अभी तक यहाँ पर देख लें, आपने जो अदरक लहसुन और प्याज को ज्यादा काला नहीं करना है, इतना ही हम इसको ब्राउन करेंगे। इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं जो है हमारे टमाटर यानी कि टमाटर जा रहे हैं, लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक, हल्दी, टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, दैट्स क्यूमन पाउडर। ये तमाम चीज़ें आपने डाल लेनी है। इसको आप पहले करते हैं हल्का सा मिक्स, और इसमें आप ऐड करेंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी ताकि आपका मसाला लग ना जाए। शुरू से लेके फ्लेम अभी भी हाई पर ही है, और आप इसको हाई पर रख करके इतना पकाएंगे कि जो टमाटर हैं गल जाने चाहिए और आपका मसाला बन जाना चाहिए। आप देख लें कि फ्लेम शुरू से लेकर हाई पर ही है और टमाटर भी गल गए, मसाला बन चुका है। आप देख रहे हैं थिक हो चुकी ग्रेवी यहाँ पर, यानी कि गाढ़ापन आ जाता होता है, पानी इंटायरली ड्राई होता है। यहाँ पर अब आप ऐड करेंगे जो आपकी मेथी है, और मेथी को डाल लेने के बाद इसे आप अच्छी तरह पहले इस मसाले में मिक्सअप करते हैं, और मिक्स कर लेने के बाद चूल्हे को आप ले आते हैं बिल्कुल मीडियम के ऊपर या लो टू मीडियम पर रख लें। उसमें ये होता है कि मेथी जो है ख़ुद भी अपना पानी छोड़ती है, और यहाँ पे हमने मेथी की बेसिकली भुनाई करनी है। लो टू मीडियम पर रख के, सॉरी मीडियम पे मत रखिएगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा कड़वापन होता है। उसको ख़त्म करने का तरीका यही होता है कि ढक्कन ऊपर प्लीज़ कवर आपने नहीं करना। अगर आप मेथी को पकाते वक्त इस पर ढक्कन डालते हैं तो यकीन जाने आपकी मेथी जो है वो अपना कड़वापन सालन में छोड़ देती है। ये एक बहुत बड़ा टिप होता है, और थोड़ा सा आप दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी कड़वापन ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये कर लेते हैं, लो टू मीडियम पर रख लें, और इसे आप अच्छी तरह चमचा बीच में हिलाते रहें और पानी ड्राई हो जाने का। यहाँ पर जो है मेथी की हमने अच्छे से भुनाई कर ली हुई है, पानी जो खुद मेथी ने छोड़ा था वो तमाम तौर पर ड्राई हो जाता है। और अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर आप ऐड करेंगे जो है हमारा यहाँ पर कीमा, और कीमे को ऐड कर लेने के बाद इसे आप अच्छी तरह मिक्स करेंगे, और मिक्स करते करते यहीं पर हम इसके साथ ही ऐड कर रहे हैं जो हमारी टमाटो पेस्ट है, प्यूरी, सॉरी पेस्ट नहीं। ये आपको बहुत इजीली मिल जाती है, आप कहीं पर भी रह रहे हैं, अब्रॉड में हो चाहे बेशक आप पाकिस्तान इंडिया में, हर चीज़ अब मिल जाती है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि इसे ज़रूर ऐड करें, इससे बड़ा अच्छा जायका आएगा इंशाल्लाह, आप ट्राई जब करेंगे। यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि फ्लेम मैंने अब कर ली हुई हाई पर, और इसको सिर्फ आपने इतना पकाना है। आप देख रहे हैं अभी कीमा जो है अभी लाल है, इसका कलर भी ड्राई हो जाए, और जो कीमे का खुद का पानी है वो भी बीच में ड्राई हो जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पर कीमे की शुरू से लेके उसके कुक हो जाने तक इसकी भुनाई होगी। तो फ्लेम हाई कर लें प्लीज़ अब आप, और इसको कीमे का पर जो है कीमा अच्छी तरह भून चुका हुआ है, इसने अपना जो खुद का पानी छोड़ा बिल्कुल ड्राई। अब देख लें तेल भी ऊपर आ गया है। यहाँ पर अब हम ऐड करते हैं जो है हमारे आलू, क्योंकि आपको पता आलू मटर तो जल्दी गल जाते हैं, इसलिए पहले ये तमाम चीज़ों की भुनाई ज़रूरी होती है। साथ ही जा रहे हैं मटर, इसको डाल लेते हैं अच्छी तरह, इसको पहले आप करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी, और पानी ऐड करने के बाद इसका हमेशा कहती हूँ कि जैसे इसमें जोश आएगा, ये इसमें हमने डाल लिया है पानी, और अब बॉयल का वेट करते हैं। जैसे इसमें वो जोश आता है आप इसे कवर करके लो टू मीडियम में रख के तब तक को करेंगे जब तक कि पानी खुश्क हो जाए और आपके जो आलू हैं वो
परफेक्टली डन हो जानी चाहिए, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि इसकी जो शेप है लूज़ ना हो, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर आपको लगता है बीच में आप चेक कर लें आलू गल गया हो, तो बेशक आप जो है चूल्हा तेज़ कर सकते हैं और पानी को ड्राई कर लें। तो बॉईल आ जाए कवर कर लें, लो टू मीडियम रखें और आलू गल जाने तक और पानी ड्राई हो जाने तक वेट कर। आलू भी गल चुके हैं, पानी भी ड्राई हो गया बिल्कुल। अब मैंने फ्लेम यहाँ पर कर ली हुई हाई, क्यों? क्योंकि इसमें हम ऐड करने लगे हैं जो हमारी हरी मिर्चें, थोड़ा सा काट लें, ज़रा खूबसूरत भी लगता है। और गरम मसाला बीच में जा रहा है, ये डाल लेने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे हाई फ्लेम पर रख करके। आपने इसको यहाँ पर हल्का सा भून लेना है, 1 से 1.5 मिनट दें और फिर इसको डिश आउट करें। अच्छी तरह भून लेने के बाद ये रहा आपका कीमा विथ मिक्स वेज। ज़रूर ट्राई कीजिएगा गर्मा गर्म रोटियों के साथ में। देखिए मैं आपको बार बार वीडियो पे यही कहती हूँ कि जो फुल रेसिपी की जो आपको इंग्रेडिएंट्स के लिए मेजरमेंट चाहिए, आपको जाना है मेरी वेबसाइट पे, जो कि मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बनाया है, विच इज़ cookwithfaiza.net। हर वीडियो के नीचे मैंने रिटन रेसिपी लिखी हुई जो इंग्लिश में है, जो आप लोगों के लिए मदद दे सकती है। तो प्लीज़ जो आपको लिंक्स देती हूँ वीडियो पे, इसको ज़रूर प्लीज़ फॉलो किया करें, ज़रूर बनाएं। आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।